महाराष्ट्र की पालघर सीट का घर बचाने में बीजेपी कामयाब रही, लेकिन महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट बीजेपी ने एनसीपी के हाथों गंवा दी। बीजेपी को मिली हार 2019 में पीएम मोदी की परेशानी बढ़ा सकती है। दिलवाले फिल्म का ये फिल्मी डायलॉग महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिली करारी हार पर एकदम सटीक बैठता है। पहले महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया से बीजेपी के सांसद नाना पटोले ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए, और आज एनसीपी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार मधुकर राव कुकड़े ने उपचुनाव में बीजेपी के हेमंत पटले को 48,097 वोटों से मात देकर भंडारा गोंदिया सीट छीन ली है। अपने वोट का अधिकार बहुत अच्छे से समझती है और कहीं सही वक्त पे उसका इस्तेमाल करती है। हमारी जीत हुई है, ये जनता की जीत है और सरकार की निष्फलता की कमजोरी की ये हमारे सामने ये जनता ने जवाब दिया। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया उपचुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार मधुकर राव कुकड़े को 4,42,213 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार हेमंत पटले को 3,94,116 वोट मिले। मधुकर राव कुकड़े ने बीजेपी के हेमंत पटले को 48,097 वोटों से मात देकर भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट बीजेपी से छीन ली। शिवसेना के उम्मीदवार नहीं उतारने के बावजूद एनसीपी के हाथों मिली हार से बीजेपी खेमे में उदासी छाई हुई है। भंडारा गोंदिया में हम लोग जीत नहीं पाए, मूल रूप से उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि भंडारा गोंदिया में बड़ा अकाल पड़ा है और ये ऐसा एक एश्योर्ड रेनफॉल जोन है, 25-30 साल में पहली बार वहां पर अकाल पड़ा हुआ है और मई के महीने में ये चुनाव होने से एक उसका एक अकाल के कारण एक सरकार की इनकम्बेंसी भी उसमें होती है और शायद उसी के कारण हम लोगों को कुछ कम वोट वहां पर मिले हैं। 2019 में निश्चित रूप से भंडारा गोंदिया की सीट वापिस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी सांसद नाना पटोले के इस्तीफे से भंडारा गोंदिया में उपचुनाव हुआ था। पटोले पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पालघर में बीजेपी से दो दो हाथ करने वाली शिवसेना ने भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था। कांग्रेस ने एनसीपी के मधुकर कुकड़े को समर्थन दिया था। एनसीपी के मधुकर कुकड़े के हाथों बीजेपी को मिली हार 2019 में पीएम मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि शिवसेना ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 2019 में बीजेपी से गठबंधन करके नहीं महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई लाइव रिपोर्ट, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।